टार्जन 25 दिन में पैसा डबल क्या मजा ब्रो। मेरी माता जी ढूंढ लिए है मेरे लिए बहू, अब वही देखने हम लोग जा रहे हैं। अरे बॉबी कहीं एक जगह देख के रुकना बॉबी। सो गाइस मैं घर में आया हूँ, माँ मेरे लिए बहू का फोटो यानी कि मेरा शादी होने वाला। ओह माय गॉड। ये भाई मेरे काट रहा है टपोरी लोग है, सही टपोरी है भाई, चीटिंग हो दम टपोरी प्लस छपरी। माशा निकाल दीजिए मैं बदी रहा हूं मेरे। ये झगड़ा हो रहा है एक सुपारी के लिए जो ये खाता है। मैं बोला इसको मत खा, मैं इसको बोला मत खा भाई, फेंक दे रहे हैं। तो ये देखो मेरा हाथ पे, ये देखो सुपारी, देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो सुपारी, ये देखो सुपारी मास्टर आदि आदि बोल रहा। अरे यहाँ लेना गुना क्या किया। अगर हैंडसम बनना है, अच्छा फिल्टर चाहिए, अच्छा कैमरा चाहिए, तो आईफोन तो खरीदना पड़ेगा ना भाई। One hour later. ये बंदा ऐसे तरीके से अभी पैक कर रहा है ना, इसकी जिंदगी में अभी सिलगुड़ी आएगा नहीं, लगता है कि ये मेरे को छोड़ के घर जा रहा है। मेरा तो एक ही बैग में सारा का सारा पैक हो गया। मारा था क्या पाना तू कोरा में सुतवा ही तक के करा लगा रहे गुस्सा नाम। So, सबसे स्वागत है मेरे ब्लॉग से, न्यू क्लिप पे टूट रहा हूं ओनली रॉक लैम। तो मैं आपको बता दूं आज का प्लान क्या है। रिसेंटली वीडियो में मैंने आपको बोला था 1 तारीख को मैं घर जा रहा हूं। सो फाइनली मैं आज घर जा रहा हूं। और मैं आपको सबसे खुशी की बात बता दूं, मेरी माता जी ढूंढ लिए है मेरे लिए बहू, अब वही देखने हम लोग जा रहे हैं। फोटो आया है लड़की का, सो हम जा रहे हैं लड़की का फोटो देखने के लिए हमारे घर। और कल को मेरा पूजा भी है, और जो लड़की का फोटो है हम आपको घर जाके माताजी से मिलके दिखाएंगे। भाई पता नहीं अब बहू कैसा है कैसा नहीं, ठीक है माँ को बोला अपने चॉइस के ढूंढ लो, तो पता नहीं माँ कितना जल्दी जल्दी ढूंढ लिया। मैं आपको बता दूँ पूरा का पूरा मैं रेडी हो चुका हूँ, राइडिंग जैकेट राइडिंग बूट में, ठीक है। तो हम लोग का बाइक नीचे है और बॉबी का पेट्रोल खत्म हो गया था बाइक का, इसलिए हम लोग पेट्रोल लेके आके एकदम फिनिश। खाना गरीबी है, पेट्रोल खत्म हो जाता है। मैं आपको बता दूँ गाइस सुबह सुबह ना ये लोंडा बहुत ही खत्म कांड किया है, पता बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा, ये मेरा 1000 रुपए बर्बाद किया। चिकन बिरयानी ऑर्डर किया था 1 किलो ना कितना किलो साला, ये मिस्टेक से वेज बिरयानी ऑर्डर कर दिया। और आंटी जी का हम लोग दिया था चिकन, चिकन लेने के चिकन बनाने के लिए, ये सोचा था ये 3 जन खाएगा, मैं अकेला चिकन बिरयानी खाएगा, साला मिस्टेक से बिरयानी को धोखा देगा तो यही होगा तेरे साथ। गया था चिकन बिरयानी ऑर्डर करने, तू यहाँ पे चिकन ला के दिया यहाँ पे बना, और तू सोचा अकेले अकेले में चिकन बिरयानी खाएगा, ये लोग अपना चिकन भात खाएगा, धोखा दिया उसे लिया इसके साथ। तो अभी आंटी बोल रही थी कि हम लोग को खाना खा ले, पर हम लोग नहीं खाएंगे क्योंकि नींद आ जाएगा राइड में। ऑलराइट गाइस हम लोग घर से निकल चुके हैं, ठीक है। अभी जस्ट पेट्रोल नहीं था तो फुल यहाँ पे पेट्रोल करवा दिया हूँ, अभी पेट्रोल पंप में हूँ। तो आई डोंट नो ये वीडियो कैसे होने वाला है कैसा नहीं, क्योंकि अभी पूरा का पूरा आपको नाइट वीडियो फुटेज देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो अच्छा होगा तो डाल दूंगा, नहीं होगा तो सीधा घर से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो प्रेम भाई आर यू रेडी? या रात का टाइम है ना तो नाइट का व्यू नहीं दिखा बोल के, वहाँ पे देखो बिहारी गाना पूरा ठुमका भाभी वाला वीडियो देख रहा है, वो देखो। हाँ खमाया हाँ बेबी चल चल ले ले पेन पूरी मैया। क्या जाम है गाइस, देखे भाई सिलगुड़ी में इतना जाम कैसे यार, अभी तो शाम हो गया, खुलना चाहिए जाम। और हमारा बॉबी जो है पीछे फंसा हुआ है, वो भाई निकल गया, वो तो निकल गया, हम भी निकलेंगे, छोड़ो यार। ये देख रहे हो जाम, सिलगुड़ी तो पूरा का पूरा जाम है। दे दो चाचा साइड दे दो, हमें घर जाना है यार, हमें घर जाना है। मेरे मम्मी हमारे लिए बहू रखी हुई, बहू को देखना है। देखो हम कहाँ कहाँ चला रहे हैं अभी, ये देखो ला दीदी सॉरी, हाँ थैंक यू सो मच हमारे ट्रैफिक वाले चाचा जो कि ट्रैफिक खुला में हमें इतना हेल्प कर रहे हैं। और एक चीज गाइस, हम लोग तो सोचे थे सुबह जाएंगे तो पूरा धूप भी होगा प्लस जाम भी होगा, तो क्यों ऐसा करते हैं, चलो थोड़ा सा शाम को ही जाते बोला। ये देखो शाम का नजारा ऐसा है तेरे का, सच में गाइस हालत खराब हो गया। अभी तो मुझे ये तो कुछ नहीं है, और भी लंबा लंबा टूर मारना है तो उस टाइम पे और भी मेरा फटेगा, क्योंकि ये जो मेरा राइडिंग जैकेट वगैरह सूट है ना, मैं अभी तो कंफर्टेबल नहीं हूँ इन सब चीजों से। One hour later. ये देखो गाइस, ये देखो ये गाड़ी वाला चाचा पकड़ा गया है। अरे भैया बड़ा बड़ा गाड़ी है, रोड पे ही रहो ना, छोटा छोटा गाड़ी को निकलने दो। ये देखो ये टार्जन टार्जन है ना टार्जन, ये देखो भाई पता नहीं कहाँ जाना है, ये लो ये भाई साहब को बहुत ज्यादा जल्दी में। One hour later. ए भगवान जय श्री राम, पता नहीं गाइस क्या हो रखा है सिलगुड़ी को। अभी हम लोग भेगा के यहाँ आ चुके हैं, लगभग हम लोग सिटी सेंटर से भेगा तक पूरा का पूरा यही ट्रैफिक वाला सीन से आया, लगभग यहीं पे अभी कितना 1.5 घंटा हो चुका है, बट हम लोग अभी तक निकले नहीं है बाहर। पता नहीं सुबह सुबह हम चारों में से एक जन कौन पाप किया था,
और हम लोग के साथ भगवान भगवान हम लोग का परीक्षा ना क्या ले रहा है। मेरा जो बाइक है ना पूरा का पूरा इसका इंजन हीट हो रखा है ठीक है, और मेरे पैर पे पूरा का पूरा मतलब राग अंगार मेरे टच हो रहा, तो आई फील वेरी बैड गाइस। घर जाके आराम से जिएंगे भाई, वहाँ पे तो कोई ट्रैफिक भी नहीं होता क्योंकि हमारा टाउन स्वीट सा छोटा सा प्यारा सा है ना। ऑलराइट गाइस, हम लोग फाइनली ट्रैफिक से बाहर निकल चुके हैं 2-3 घंटा रहने के बाद। तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पता नहीं हमारा बॉबी और अंकित कहाँ पे है। अभी रात को शायद हम लोग बापुल के सामने जो फारस नहीं वो रास्ता हम लोग चल रहे हैं, अभी उतना प्रॉपर तो रियात नहीं है। अरे भाई क्या ट्रैफिक है, 2 घंटा फंस गए हम लोग। तो लोग तो ये भाई इसको पता है ना सिलगुड़ी के बारे में, तो ये तो कोने का से निकल। अरे भाई सुनना, मरते मरते बचा, ये झूठ नहीं बोला ना सच में, क्या हुआ था प्रेम बता दे। अरे क्या हुआ था, हाँ हम लोग 100 के स्पीड में थे, 100 के था। अरे भाई कैसे ऐसे हिल गया, इसका इसका जो चाक है ना इतना उठा उड़ गया। वो बेगा सर करके सोरा सामने है उधर उधर फोन करने जा रहा था। हाँ भाई थोड़ा सा बीच से आना, साइड से मत। अरे कुछ तो बात नहीं मैंने गिरा नहीं, गिरा नहीं, स्पीड में बहुत जोर से लगा, बहुत जोर से। अरे मुझे ना डर क्या है पता है, गाड़ी ऐसे होने से कुछ नहीं, क्योंकि गाड़ी ये होता है नीचे का जो क्राउन क्लियरेंस है ना उसमें लग गया, ठोकर खाएगा तो 25-30 हज़ार का नुकसान है ना, इसीलिए अभी तो पूरा एक तो बजना ही है, एक नहीं 12 तो बजेगा, 11 बजे पहुंच जाएगा। हाँ बैठ जा, आ जा। तो थोड़ा सा यार 2 घंटा ड्राइविंग में फंसा हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। हम लोग 6 बजे घर से निकले थे और जाके अभी 8:20 हो रखा है, तो 2 घंटा हम लोग ट्रैफिक में जम हो गए। अभी यहाँ से अप्रोक्स हमारा घर जाने में 3-4 घंटा तो लगना ही है। और हाँ गाइस आई एम सो सॉरी, यहाँ क्योंकि मुझे ना सुबह निकलता तो आप लोगों को भी ब्लॉग एंजॉय करने में मजा आता। सोचे थे बॉबी पूरा बाकुल में रील्स बनाएगा, आजकल पूरा भूत चढ़ा है इंस्टाग्राम के ना। छोड़ना, भूख तो लग रहा है गाइस, अभी फिर खाना खा जाऊंगा ना, फिर नींद लगेगा राइड में। तो यहाँ पे बहन से चाय मंगा, चाय पियेंगे क्योंकि चाय पीने से ना नींद भाग जाता है। चीयर्स। थैंक यू सो मच बहनी तिम्रो चाय को लागे, किनकि बहनी के यहाँ पे चाय पीने के लिए अब तो मेरे को 3 घंटा तो नींद ही नहीं आएगा। चलो अरे अरे अंकित अरे और मैं आपको बता दूं, मैं बहुत जल्दी 360 ड्रोन ले रहा हूं आप लोग के लिए, क्योंकि ड्रोन और 360 लेऊंगा तो और भी वीडियो में तगड़ा कंटेंट और मजा आएगा आप लोग को। आप लोग जितना ज्यादा मेरा वीडियो देखेंगे तब ना मेरा भी सपना पूरा होगा, ड्रोन ले पाऊंगा, 360 कैमरा ले पाऊंगा। सो आप लोग चाहते हो आपका भाई ले ले, तो प्लीज गाइस वीडियो को शेयर, वीडियो देखे ठीक है। फाइनली हम लोग बाकुल के यहाँ पहुंच चुके हैं, और आई एम सो सॉरी गाइस, सुबह होता तो आप लोग को बाकुल का मजा दिखाते और हम लोग भी फोटो खींचते। और हाँ गाइस एक बार ना मेरे को कमेंट में थोड़ा सा मेरे को समझा देना, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज में हूँ। ये बाकुल जो ब्रिज है इसका नाम बाकुल क्यों रखा है, पानी पानी है, ओ माय गॉड, पानी की वजह से ना दिखाई भी नहीं दे रहा गड्ढा कहाँ पे और अच्छा रास्ता कहाँ पे। और रात को राइडिंग करना ना बहुत ही रिस्की होता है गाइस, आप लोग भी अगर राइडर हो देखने वाले तो प्लीज ध्यान से चलाना ठीक है, और ऑलवेज वेयर राइडिंग गियर्स और हेलमेट। मैं आपको बता दूं, बाहर रहने के बाद भी मेरे को ना माँ का कमी होने नहीं देता हमारे प्रेम भाई, वो खाना जो बनाता है ना माँ कसम गाइस, इसका हाथ चाटने का मन लगता है, पर ये हाथ में इसे क्यों नहीं चाटता पता है, क्योंकि ये टॉयलेट करके अपना वो धोता ही नहीं है। क्या मजा है ब्रो, अरे वाह ये कौन सा रोड है, बहुत ही मजा आ रहा है भगाने में। ला राम राम राम, ये भगवान बारिश आ गया, प्लीज भगवान बारिश रुकवा दो, प्लीज घर जाना हमको। हमको ना शायद सुबह ही आना चाहिए था, रात को आ गया, देखिए वहाँ पे जाम में 2 घंटा और ऊपर से अभी यहाँ पे बारिश आ गया। 12 बजे तो पहुँच जाएगा ना घर, पहुँच जाएगा ना, चल चल। अरे यार देखो ना गाइस, पानी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, और बढ़ते जा रहा है और बढ़ते जा रहा है। तो फाइनली अभी हम लोग भीरपाड़े के यहाँ आ चुके हैं, अभी यहाँ से हमारा घर अप्रोक्स 34 किलोमीटर है। बिचारा गदेवलाले आंखा देखे ना, आई बिचारा गदेवलाले आंखा देखे ना। तो अभी हम लोग पेट्रोल पंप के यहाँ पे आए हैं गाइस, क्योंकि हमारे जो टाउन जयगांव है ना वहाँ पे पेट्रोल पंप ही नहीं है, तो पता नहीं अब कितने दिन बाद आएंगे, तो सोचा कि यहीं पे फुल करा देते। ओके आगे चेक कीजिए। 1 hour later फाइनली गाइस 1 महीने बाद घर पहुंचने वाले हैं, और आप सभी को पता ही है गाइस मैं कहां से बिलोंग करता हूं, मैं बिलोंग करता हूं अपने जयगांव होम टाउन जयगांव से, जो कि मैं आप लोगों को कल एक्सप्लोर करने वाला हूं ठीक है।
फाइनली फाइनली गाइस अपने माइला लाइन जयगांव के माइला लाइन पहुंच गए हैं। यार दिल से बहुत ही ज्यादा खुशी हो रहा है गाइस, क्योंकि एक महीना घर से बाहर, खुद खाना, खुद पीना, खुद रहना, खुद सोना, खुद वीडियो बनाना। आज जाके तो एक दो दिन माँ का हाथ का खाना खाएंगे यार, घर के आने की खुशी अलग ही लेवल है गाइस। ओपन द गेट, बल्ले बल्ले, देखो देखो आया आया रे सुल्तान। अरे भाई, लो आप भाई, जय श्री राम, ओम नमस्ते, मम्मी जी जय श्री राम। एक महीना बाद आ गए हम, पूरे भीगे नहीं, चप्पे ट्रैफिक में 3 घंटा ट्रैफिक में भीग गया, ऊपर से पानी आ गया, सारा का सारा भीग गया। स्वागत है हमारे गरीब खानों पे, आ जाओ आ जाओ। लुक हु इज हियर, हमारे मम्मी पापा। अरे भाई साहब, एक महीना घर के बाहर, माता जी बहुत तकलीफ हुआ सोने में, खाने में, रात में बहुत देर से सोता है ना, देखो क्या हो गया। रात में सोते हमारे व्यूअर्स के लिए रात भर एडिट भी तो करना पड़ता है ना, अपना सेट भी देखना पड़ेगा जी। क्या बनाई अभी? अभी हाँ, अभी तो उस टाइम नहीं बोला, अभी तो ये क्या बनाया, पच्चीस दिन में पैसा डबल। आज का राइड भाई, अगर लद्दाख जाना है हाँ, तो इतना कष्ट तो करना ही पड़ेगा ना मेरे यार। So guys, finally मैं फ्रेश हो गया आज का, और आज का सफर बहुत ही भयंकर था। और फाइनली जाके एक महीना बाद जाके माँ का गर्मा गर्म दाल भात अचार पापड़ भिंडी आलू और यहाँ पे सलाद। थैंक यू सो मच मम्मी जी, चलो एक बाइट आपके नाम। हमारे दोस्ती का नाम सो गाइस, खाना कैसा था? एकदम बढ़िया। तो मैं आपको सुबह सुबह मैंने बोला था, माँ किस लिए बुलाया, मैंने बोला था बहू देखने के लिए, तो कहाँ है बहू, आप बुलाए ना मेरे को बहू देखने के लिए। तो माँ जी बहू किधर है? बहू यहाँ पर। किधर? ये बहू है? ओह माय गॉड, कितना खूबसूरत है गाइस। तो क्या बताऊं गाइस, शादी तो इसे ही होगा, और जो एक ठो है अनबॉक्सिंग करने के लिए वो उधर सिलगढ़ी में है, वो लाके हम अनबॉक्सिंग साथ में करेंगे। और हाँ, मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको बोला था ना, सबसे बड़ी खुशखबरी है माता जी, एकदम खतरनाक वाला खुशखबरी है, जो कि मैंने आपको शायद बता दिया या तो बताया नहीं, पर फिर भी आप सभी को आज नहीं गाइस कल बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, कल पूजा भी है। और हाँ गाइस, आप लोगों को बता दो, मैं यहाँ पे यही पूजा था 1 तारीख, मैंने आप लोगों को बोला था कल मेरा 11 दशा का जो राशि का है ना उसका पूजा, आज 1 तारीख है, तो कल है मेरा पूजा, और कल के दिन में ये वीडियो अपलोड हो रहा होगा, तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब, वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं है ना, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो कल तो हमारा पूजा है, सुबह सुबह उठना है, सबसे पहले ये वीडियो अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, तो बहुत जल्द लॉन्ग टूर भी करने वाला हूँ, वो आप सभी को जाते जाते पता चल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस वीडियो इतना ही था, सो मैं जा रहा हूँ अभी सोने के लिए, वीडियो एडिट करके हम लोग सो जाएंगे। कांची तिम्रो रैक 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 डैक डैक डैक।